आज फिर मेरी अलमारी को किसी ने उलट पुलट करके रख दिया है। सुबह उठते ही हानिया की नजर अपनी अलमारी में पड़ी तो आंखें मलते हुए अम्मी को पुकारने लगी, अम्मी अम्मी जल्दी से आए। हानिया बेटी क्या हुआ, क्यों चीख रही हो? अम्मी ने कहा, अम्मी जान मेरी अलमारी का हाल देखें, क्या हुआ है इसमें इतने चीखने वाली, क्या बात है? अम्मी ने कहा, नाश्ता करके ठीक कर लेना। लेकिन अम्मी कौन करता है, मेरी चॉकलेट और चिप्स भी गायब हैं, जो मैंने छुपा कर रखी थी। अम्मी ने बोला, हानिया बेटी मुमकिन है सोने से पहले नींद की हालत में तुमने कुछ निकालने के लिए ऐसा किया हो, फिर तुम्हें सुबह उठने के बाद कुछ याद ना रहा हो। अम्मी मुझे तो लगता है सफीर ने किया है। अम्मी ने कहा, हानिया सफीर तुम्हारा छोटा भाई है, इसके पास इन फजूल शरारतों के लिए वक्त ही कहाँ है। स्कूल, मदरसा, ट्यूशन और क्रिकेट एकेडमी रात के 10 बजे तो घर पहुंचता है, तो फिर जरूर मेरे कमरे में कोई भूत आ गया है। हानिया की बातों पर अम्मी मुस्कुराकर बावर्ची खाने में चली गई। नाश्ते के बाद हानिया ने अलमारी की तमाम चीज़ें सलीके से रख दी। इसके बाद तो अक्सर हानिया की अलमारी का यही हाल होने लगा। अब तो अम्मी जान भी कुछ परेशान सी हो गई। हानिया ने रोती सूरत बनाकर कहा, अम्मी मुझे तो लगता है इस अलमारी में जरूर कोई भूत है, आप मुझे दूसरी अलमारी ला कर दें, मेरी सारी चॉकलेट गायब हो जाती हैं, आज तो मेरी नई पेंसिल और ड्राइंग की कॉपी भी गायब है। हानिया की अम्मी ने सोच कर इस भूत को पकड़ने की ठान ली थी। सफीर 10 बजे घर में दाखिल हुआ तो अम्मी ने कहा, सफीर बेटे खाना गर्म कर रही हूँ, जल्दी से मुंह धोकर आ जाओ। हनी आपी ने आज खाना जल्दी खा लिया है और वो बेखबर सो रही है। सफीर अच्छा कहते हुए अपने कमरे में गया। खाने के थोड़ी देर बाद वो छुपके से हानिया के कमरे में दाखिल हुआ। हानिया गहरी नींद सो रही थी। सफीर मुस्कुराते हुए सोती हुई हानिया को देखकर अलमारी की तरफ बढ़ा और आहिस्ता से अलमारी खोली, कपड़ों को उलट पुलट करके कुछ तलाश करने लगा, साथ ही जेरे लब कहता जा रहा था, आपी की बच्ची सारी चीजें खा ली, कुछ भी नहीं रखा। फिर मुस्कुराया, हाँ मिल गया, वाओ मजेदार चिप्स। इसने जल्दी से पैकेट को जेब में डाला। सब चीजें बेतरतीब छोड़कर जैसे ही कमरे से बाहर निकला, अम्मी जान को सामने खड़े पाया। अच्छा तो ये तुम हो अलमारी के भूत सफीर, कितनी बुरी बात है, मैंने तुम्हें इतना मसरूफ रखा है ताकि बुरी सोबत से बचे रहो, लेकिन तुम बहन को तंग करने से बाज नहीं आते। सफीर ने शर्मिंदा होते हुए कहा, माफ़ कर दे अम्मी जान, मैं आइंदा नहीं करूँगा, मैं हानिया आपी से भी माजरत कर लूँगा, हानिया से कुछ मत कहिएगा। हानिया ने सुबह उठकर अपनी अलमारी की ये हालत देखी तो फिर चीखने लगी। अम्मी आईं और हानिया को इस हाल में देखकर मुस्कुरा दी। हानिया बेटी आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। हानिया बोली, सच अम्मी जान आपने भूत को पकड़ लिया क्या? हाँ कल मैंने और तुम्हारे बहादुर भाई ने मिलकर भूत पकड़ लिया। भूत बड़ा शर्मिंदा था और इसने कहा कि आइंदा हानिया की अलमारी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखूंगा, और दोनों कान पकड़कर तौबा भी कर ली है। हानिया ने सफीर को घूरा तो अम्मी ने सफीर से कहा, सफीर रात को भूत ने क्या कहा? सफीर ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा, भूत ने कहा था कि आइंदा कभी हानिया आपी को तंग नहीं करूंगा, और हाँ भूत ने ये भी वापस कर दिया है। ये कहते हुए इसने जेब से चिप्स का पैकेट निकाल कर हानिया की तरफ बढ़ा दिया।